वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहां लगता है कि खेल हो गया है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है शिंदे खेमे ने मैजिक फिगर 37 तक पहुंचने का जो दावा किया था। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर भी शिंदे कैंप से जुड़ने वाले हैं। आज सुबह सुबह शिवसेना के दो विधायक मंगेश कुडालकर और सदा संवारकर गुवाहाटी होटल पहुंच गए। अगर शिंदे खेमे के साथ शिवसेना के 37 विधायक हो जाते हैं तो आंकड़ा दो तिहाई का हो जाएगा और फिर शिंदे कैंप पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। शिंदे कैंप पहले से ही बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर अड़ा हुआ है। ये सभी के सभी इस वक्त गुवाहाटी के एक होटल में मौजूद हैं। पहले जब हमने शिंदे से बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 37 से ज्यादा शिवसेना के विधायक हैं, तो आज तीन और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं, यानी कि शिंदे के दावे में दम दिखाई दे रहा है। दो कारों में पहुंचे हैं ये दोनों विधायक, तीन और विधायक आज गुवाहाटी पहुंचे हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि दो तिहाई का वो मैजिकल आंकड़ा शिंदे छू लेंगे तब उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। शिंदे खेमे की राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में 34 एमएलए का जिक्र है और अब तीन के पहुंचने के बाद ये आंकड़ा दरअसल 37 हो जाएगा, मैजिक नंबर जिस पर शिंदे खेमा पहुंच गया है। ये क्लेम पहले ही शिंदे ने कर दिया था, लेकिन अब इस पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर भी जुड़ेंगे, तीन और विधायक आज गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। गुवाहाटी में ही ये सभी बागी विधायक इस वक्त डेरा डाले हुए हैं, दो कारों में पहुंचे हैं गुवाहाटी के होटल में। उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं जब ये तीन विधायक शिवसेना के यहां पहुंच चुके हैं।